मीरा को गए एक अरसा हो गया बेटा, वो अब तक नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। ना कोई अता ना पता ना राबता ना कुछ, तुमसे खुला तक नहीं मांगी उसने, तो हमें क्या पता उसका क्या करना। मैं जानती हूँ कि हया से गलतियां होती हैं, मगर फिर ये बात भी मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत जज्बाती है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ख्याल रखेगी बेटा वो तुम्हारा सचमुच। माँ बेगम बुलाया आपने? हाँ, वो मैं कह रही थी कि कल मुनीब की अम्मी तुम्हें देखने आ रही इस्लामाबाद से, अच्छी सी तैयार होना। मैंने आपको मना कर दिया था? हाँ मुझे पता है तुमने मना कर दिया था, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। माँ बेगम देखिए, आप उन्हें मना कर दीजिए, से कहिए कि आने की जहमत ना करें। क्यों? क्योंकि हया की शादी मुनीब से नहीं होगी। तो फिर किससे हो रही है? मैं करूंगा शादी। ये कह रहे हो कि मैं बर्दाश्त करूं हर चीज चुप करके? मुझे समझ जाना चाहिए कि इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। तुम मुझे अपनाओ, सब तुम्हारे हो जाएंगे। कभी मुफ्त में भी ना अपनाऊं मैं तुम्हें, क्योंकि ये सब कुछ जो रहा है तुम्हारी वजह से, और तुमने जो मेरे साथ किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। प्लीज मुझे मत छोड़ो। मुझे मरने से डर नहीं लगता, और स्पेशली तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, आदत हो गई है तुम्हारी। ये करता रात को सोने से पहले तुम्हें सुनो, तुम बात करें, सुबह को जागने के बाद सबसे पहले तुमसे बात करो, इसमें बोलती जाओ और मैं सुनता जाऊं। आदत कैसे हो गई? मैंने तो कभी प्यार से बात ही नहीं की तुमसे। फर्क नहीं पड़ता, इस दिल चाहता तुम बोलती रहो, लड़ो झगड़ो, लेकिन बात करो। मैं
मैं तुशाबश। अरे अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत मुबारक हो आप। बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग उधर चल के बैठे बैठे प्लीज। ये मीरा कहाँ है? हाँ, नजर नहीं आ रही कहीं भी ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? पहली बीवी कहाँ चली गई जो मुर्तसिम की हया के साथ मंगनी हो रही है? कहीं चली तो नहीं गई है? मेरा मतलब है तलाक क्या? अरे नहीं, खुदा ना करे, हमारे खानदान में क्या पहले किसी की तलाक हुई है जो अब होगी? तो फिर मर गई है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो उसके होते हुए मुमकिन नहीं था। अब पसे पर्दा क्या बात है, इसका जवाब तो सलमा बेगम ही दे सकती है ना। तो इंतजार किस बात का है? सलमा आ गई है, पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत 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 शुक्रिया। कैसी है फरीसा, ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ जो देख रही हूँ ना, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल? कैसे सवाल? मीरब कहाँ है? मीरब तो काफी दिन हुए घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई या तलाक? नहीं नहीं, तलाक नहीं हुई, बस असल में मीरब और मुर्तसिम की बचपन से मंगनी हुई थी। मीरब मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती थी और हमने कर दी, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो खामखा की बातें करते हैं। बस फिर मैंने सोचा कि आखिर को मेरा एक ही बेटा है, उसकी औलाद देखने का अरमान तो मेरे दिल में है ना, तो मुझे यही ठीक लगा जो मैं कर रही हूँ। बात तो आपकी भी ठीक है। अच्छा आप बैठे, बस अभी थोड़ी देर में मंगनी की रस्म होती है, फिर मैं बुलाती हूँ। बैठे। बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, वो ले आओ चीजें। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं, लेकिन ये बात तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? क्या किया ऐसा मीरब के साथ कि वो भाग गई? दे दो, माँ बेगम ने मांगी। मीरब की आई है अंगूठी, लेकिन वो यहां नहीं है। जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी तब ये अंगूठी तुम्हारी होगी।